السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आप सब जितने भी आसाम के नौजवान तशरीफ फरमा हैं, मैं तहे दिल से गुजारिश करता हूं कि आप सब खामोशी इख्तियार करें। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि मुझे आखिर में मौका मिले बात करने का, और बहुत कम मौका मिले, क्योंकि दो दिन से मैं शदीद बीमार हूँ। क्योंकि श्रीनगर में मैं 3 दिन रहकर आया, वहाँ से बिहार की गर्मी, हैदराबाद की गर्मी, झारखंड की गर्मी, फिर जोधपुर की गर्मी, यह सर्द गर्म में मुझे इन्फेक्शन हुआ है, और थ्रोट इन्फेक्शन भी और सर्दी भी हुई है, और एंटी एलर्जी टैबलेट्स में हनूद की बहुत होती है, तो मैंने रात में भी और सुबह भी गोली खाया, और उसमें नीम की हनूद की बहुत होती है। तो जिस जोश में मैं तकारीर अक्सर करता हूँ, शायद उतना जोश आज मुझ में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। ये आसाम स्टेट हिंदुस्तान के कोने में है, लेकिन मेरे दिल के बीचों बीच बसता है ये आसाम। मैप में अगर आप देखते हो तो आसाम बिल्कुल कोने में नजर आता है, लेकिन मुनव्वर जमा के दिल के बीचों बीच है। वो बीचों बीच इसलिए है कि 2003 से 2006 तक मैं फार्मासिस्ट एक हॉस्पिटल में जॉब किया करता था, और रात में अंग्रेजी जुबान सीखता था। तो वैसे तो 3 महीने का कोर्स होता, लेकिन अब्बा जान की तबीयत खराब होने की वजह से मैंने उस 3 महीने के कोर्स को 3.5 साल तक पढ़ता रहा। ये अल्लाह की प्लानिंग थी। वो मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हम कुछ प्लान करते हैं और अल्लाह कुछ प्लान करता है, और अल्लाह की प्लानिंग आला होती है, सुपीरियर होती है, सुप्रीम होती है। तो फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी है, गवर्नमेंट जॉब भी मिली मुझे, वो भी मैंने छोड़ दिया, और जॉब छोड़कर मैं जब टीचिंग लाइन में आया, टीचर बना 2007 में। 2007 से 2016 तक पूरे 10 साल मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा, और 2017 में मौलाना बदरुद्दीन अकबर साहब ने मुझे फोन किया एक लड़की की स्पीच सुनकर, मेरी तकरीर सुनकर नहीं, एक लड़की ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीर स्पीच दी थी अरविंद केजरीवाल साहब के प्रेजेंस में, गुड लीडर, आइडियल लीडर और गुड गवर्नेंस में। तो वो मौलाना बदरुद्दीन अकबर साहब को इतना पसंद आई स्पीच, वो फौरी मुझे फोन किया, और फोन कर सबसे पहला जुमला आपने फरमाया था कि आप मुझे 10 साल पहले क्यों नहीं मिले, मुझे अच्छे लोगों की तलाश है। तो आपने कहा फौरी आप जहां भी हैं आप हो जाए आसाम तशरीफ ले आइए। तो मैं आसाम गया, वहां पर वर्कशॉप किया, तो वहां मैंने लड़कियों को एक स्पीच दी थी हॉस्टल गर्ल्स के लिए, ऐसे दहाड़े मार मार कर रो रही थी लड़कियां वो स्पीच सुनकर, और पूरे दुनिया के कंट्रीज, शायद कोई कंट्री बचा होगा, वहां वहां से मुझे कॉल्स आए। तो ये जो टीचर से मैं स्पीकर बना, उसमें आसाम का बहुत बड़ा हिस्सा है, और मौलाना बदरुद्दीन अकबर साहब का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और उसी वर्कशॉप के खत्म पर, कॉन्वोकेशन पर, मैंने एक डिबेट रखा मदर और फादर पर, और वो जलालिया मदरसे के शेखुल हदीस शमशुद्दीन साहब की बिटिया और एक करीमगंज से ही एक लड़की, एक मदर और एक फादर को फेवर कर रहे थे। वो जहां तक मेरा इल्म है, करीब 20-25 करोड़ लोग उसको देखे हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये जो टीचर से मैं स्पीकर बना हूं, उसमें आसाम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है माशाल्लाह। और ये
बीमारी की हालत में मैं स्टेज पर खड़ा हूं और अमीर शरीयत शेख हजरत मौलाना याहिया साहब दामत बरकातुहुल औलिया के मुबारक हाथों से ये जो अमामा पहनाया गया, तो वो जो अमामे की गर्मी है मेरे टेम्परेचर को नॉर्मल कर दिया, पसीने छूट गए तो बुखार उतर गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दरअसल ये जो स्टेज है ये तलबा के लिए है जो पार्टिसिपेट किए हैं, और उलमा का स्टेज है, लेकिन ये मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी दामत बरकातुहुम का जिगर है जो मेरे जैसे अपने टीचर को लेकर घूम रहे हैं, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मुझे ले जा रहे हैं, अफ्रीका के जंगलों में भी जाकर तीन तीन वहाँ के कंट्रीज में मैंने स्पीचेस दिए, और यूनाइटेड किंगडम के 15 सिटीज के सब मदारिस में मेरे आपने लेक्चर्स रखे। ये लीडर की निशानी होती है, अपने आप को पीछे रखकर मुझे आगे रखते हैं और कहते हैं कि सर आपके बड़े आशिक हैं और आपको सुनना चाहते हैं, तो आपकी बात भी सुनकर अगर वो बदल जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बदलना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो किसकी बोल से बदलते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसान में बदलाव आना ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जिगर आप रखते हैं माशाल्लाह, इतना बड़ा इदारा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा, यानी जिसमें 10,000 तलबा पढ़ते हैं और 100 इदारे हैं और उसके प्रेसिडेंट हैं, और मुझ जैसे अपने टीचर को ऐसा मौका देते हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हर प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देने की कोशिश करता हूँ, ये दीनी महफिल है, दीन का सीखना दीन का सिखाना दो भी सवाब है, दीन का सीखना दीन का सिखाना या काबिल टीचर बनना या काबिल लीडर बनना, उसके लिए मैंने जो समझा है उस पर मैं रोशनी डालता हूं। अल्लाह सुबहाना व तआला की तरफ से जब मैसेज आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मैसेज क्या कमांड आया, हुक्म आया कि आप अपने घर के फैमिली मेंबर्स को दीन सिखाइए, इस्लाम का मैसेज पहुंचाइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म के मुताबिक अपने घर के फैमिली मेंबर्स को दीन का मैसेज पहुंचाया। फिर कुछ दिन बाद फिर मैसेज आता है कि अभी आप अपने खानदान के मेहमान को ये दीन का मैसेज पहुंचाएं, तो वो दीन का मैसेज पहुंचाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद, यानी उस वक्त में छुप छुप कर दुश्मन इस्लाम का गलबा था, उनसे डर डर कर छुप छुप कर बड़े हिफाजत से अपनी जानें बचाते हुए दीन के मैसेजेस को पहुंचाया करते थे। फिर अल्लाह का मैसेज आया, अभी छुप छुप कर नहीं, अभी अलग ऐलान आपने मैसेज कन्वे करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मक्का के मेहमान को, वहां के रहने वाले बाशिंदों को जमा किए और पहाड़ी के ऊपर चोटी पर पहाड़ पर खड़े होकर तमाम मक्का के बाशिंदों से सवाल करते हैं कि हाउ डिड यू फाइंड मी ऑल दीस डेज, इन दिनों आप मुझे कैसे पाए हो, इन दिनों आप मुझे कैसे पाए हो। तकरीबन 5-7 साल पहले सारा मजमा पर एक वक्त आवाज गूंजती है कि साधु अलमीन, हमने आपको सच्चा पाया है, ऑनेस्ट पाया है, लॉयल पाया है। अगर वो बैक वक्त में सारे लोग मुनव्वर जमा को कहें आप सादिक है अल अमीन है, या दुनिया में 850 करोड़ लोग इस वक्त जी रहे हैं उनकी तारीफ किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि दिली दिल में सबको खुशी होती है। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान बख्श नहीं थे उस जवाब से, उस वक्त में वो अपना इम्तिहान लिए, जो इस दुनिया में किसी की जरूरत नहीं जो आवाम के बीच में आकर खड़े होकर खुद का इम्तिहान लें। तारीफ सुनने के लिए तो सब लोग तैयार हैं, कसीदे पढ़े जाते हैं तो खामोशी से सर नीचे रखते हैं, लेकिन मजा तो दिली दिल में आता है सबको।
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी, खुश ना हुए लेकिन अपना इम्तिहान लिए। वो कैसा लिए? सवाल करके कि अगर मैं कहूँ कि पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर है और अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि आप मेरी बात मानोगे? फिर आवाज़ गूंजी कि हमने आपके मुबारक मुंह से कभी झूठ नहीं सुना, हमने हमेशा सच सुना है, हम बिल्कुल आपकी बात मानते हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी जात को रखा, फिर उसके बाद अल्लाह की बात को, यानी अपनी बात को रखा। होना तो ये चाहिए कि बात रखनी थी अल्लाह की, लेकिन अल्लाह की बात रखने से पहले आपने क्या रखा बताएं सब लोग? अपनी जात को रखा, यानी अपने कैरेक्टर को रखा। तो दीन सीखना है, दीन सिखाना है, टीचर बनना है या फिर लीडर बनना है, तो सबसे पहले मुझे मालूम ये होता है कि अपने कैरेक्टर को बनाना बहुत ज़रूरी है। इल्म में इजाफा हो सकता है, किसी को अल्लाह बहुत टैलेंटेड बना सकता है, उसको कई सारी चीज़ें याद हो सकती है, लेकिन उससे मकबूलियत नहीं मिलती है इंसान को। आज दुनिया में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन मकबूलियत किससे मिलती है? अखलाक से, कैरेक्टर से। अपनी ज़ात को बनाना है। जो भी तलबा यहाँ तशरीफ़ फरमा है, वो कल के फ्यूचर लीडर्स भी हो सकते हैं, वो कल के ज़बरदस्त टीचर्स भी हो सकते हैं, कल के ज़बरदस्त मुकर्रर भी हो सकते हैं। लेकिन मेरी इस छोटी सी बात को आप लोग अपने दिल में बिठा लें कि आपने लाइफ में कुछ बनना है तो पहले अपनी ज़ात को बनाएं। उसके बाद जब आप अपनी बात रखते हो तो वो बात लोगों के दिलों में उतरती है और वो बात लोग सुनना पसंद करते हैं। यहाँ तशरीफ़ फरमा सभी तलबा और जितने भी लोग दूर दराज से आए हैं, मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि रिसर्च कहता है, तलबा पर रिसर्च किया गया कि एक स्टूडेंट पूरे 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्लासरूम में कितनी देर लेक्चर सुन सकता है। तो बड़ा रिसर्च के बाद पता चला कि 7 मिनट से ज़्यादा कोई लेक्चर नहीं सुन सकते। 7 मिनट के बाद दिमाग मुंतशिर हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, डिविएट होता है, ख्यालात कहीं गुम हो जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह यहाँ 7 मिनट नहीं, आप लोग 12 बजे जमा हुए यहाँ नमाज के लिए, तो 12 से लेकर आप 4:15 हो रहे हैं। तो आप यहाँ जो बैठे 4 घंटों से, सलाम करता हूँ मैं, आसान चीज़ नहीं है। बिलखसूस ये सोशल मीडिया के ज़माने में कोई बंदा आधा घंटा नहीं बैठ सकता है, लेकिन आप लोग माशाल्लाह 4 घंटे से बैठकर यहाँ बड़े इत्मीनान से, सब्र से आप लोग लेक्चर्स भी सुने हैं, बच्चों को मोटिवेट भी किए हैं, जो तलबा ने इनामात पाए हैं यहाँ पर। 2 साल कबल मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि आपके साथ मुझे आसाम के कम से कम 10 जगहों पर लेक्चर्स रखने हैं, बहुत डिमांड आ रहा है, और मैं बस बैठा रहूंगा और आप बात करें, ऐसे 10 जगहों पर मैं ले जाऊंगा। लेकिन मसरूफियत इतनी बढ़ गई, बिलखसूस मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी दामद बरकातहू के साथ मैं जब से जुड़ा तब से इतना मसरूफ़ हो गया कि दिन रात कैसे गुजरते हैं पता नहीं चल रहा है। कभी 3 बजे सोकर सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर सफ़र में निकल जाते हैं और मैं थक जाता हूं, लेकिन हजरत को कभी थके हुए नहीं पाता हूं मैं। तो आपसे भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मैं दूर दराज से आए आसाम के तमाम नौजवानों से मैं ये वादा करता हूँ, जो वादा मैंने मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से किया था 1.5 साल कबल, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से यहाँ आ नहीं पाया, लेकिन बहुत जल्द इंशाअल्लाह कम से कम 5 जगह ज़रूर मैं आसाम के हिस्सों में या 10 जगह इंशाअल्लाह आऊँगा, और तमाम यंगस्टर्स को जमा करके मैं बहुत तफसील से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर मैं ज़रूर लेक्चर्स दूँगा इंशाअल्लाह। चूँकि आज सब लोग जमा हुए हैं और हमारे साथ अहमद भाई भी हैं, वो हजरत ने आपको अमीर बनाया जमात के,
तो जब वक्त हो जाता है वो यहाँ आ जाते हैं तो मुझे मालूम हो जाता है कि अभी मुझे स्पीच खत्म करना है। तो जैसे 4 बजते हैं आप इधर आ जाए, प्लीज़ आपसे गुजारिश ताकि वक्त पर असर की नमाज सब लोग अदा कर लें। मैं तमाम जितने भी नौजवान तलबा हैं और दूर दराज से जो मुझे सुनने आए हैं उनसे मैं एक बात करना चाहता हूं कि कामयाब होने के लिए आप किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं ये बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है। यानी इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप किस घर में पैदा हुआ, आपकी ज़िंदगी किस हालत में गुजर रही है, इसका ताल्लुक कामयाबी से कुछ नहीं है। आप कितने कर्ज में हैं, आप कितने परेशानी में हैं, आप कौन से स्लम में रहते हैं, आप पर कितनी मुसीबतें हैं, आप पर कितने चैलेंजेस हैं, कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, कितने हार्डशिप्स हैं, कितने हिंड्रेंसेस हैं, कितनी रुकावटें हैं, कितने प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज आपके ज़िंदगी में हैं, इसका ताल्लुक कामयाबी से नहीं है। कामयाबी इंसान को कोई भी फील्ड में अगर आप चाहते हो तो सबसे पहली जो चीज़ है वो इरादा, नीयत। जब इंसान में मुसम्मम इरादा हो जाता है तो वो आधा कामयाब हो जाता है। यानी ऐसा मुसम्मम इरादा जो उसको मेहनत कर रहा है और मज़ा आ रहा है, कभी बोरियत नहीं हो रही है उसको, तो वो इरादा सबसे पहली सीढ़ी होती है। अब यहाँ बहुत से बड़े पाप आप लोगों ने भी देख रखे हैं, इस दुनिया में कई सारे परिंदे हैं, जानवर हैं, कितने सारे जानवर हैं, एक उसमें एक मछली भी है। अभी मैंने पढ़ा 500 साल वो मछली का लाइफ स्पैन है, 500 साल जी रही है। और जो 500 साल मछली जी रही है, क्या उस मछली में ख्वाहिशात है, डिजायर्स है, ड्रीम्स है, गोल्स है, एम्बिशंस है, कुछ नहीं है। वो ज़िंदगी कैसे गुजार रही है उसको पता ही नहीं। अब जितने भी जानवर हैं, जितने भी परिंदे हैं, वो कल के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, उनको पता ही नहीं कि नेक्स्ट 1 घंटे के बाद वो क्या करने वाले हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन बहुत से इंसानों को पता है कि 1 घंटे के बाद आप क्या करने वाले हैं। आपको पता है कि मैं असर की नमाज पढ़ूंगा, फलाने जगह जाऊँगा, उनसे मुलाकात करूँगा, भूख लग रही है खाना खाऊँगा। मैं रोज़ 3-3 चाय पीता हूँ, आज 1 ही चाय हुए, प्रोग्राम होते ही पहले मैं चाय से फारिग हो जाऊँगा। ये इंसान के जहन में चलता है, ये जानवर और परिंदे के जहनों में नहीं चलता है। अल्लाह ने दिमाग देकर भी लॉक ताला डाल दिया। सारे जानवरों में, मच्छर में 4-4 दिमाग होते हैं, इंसान को तो एक है, लेकिन सोचने की सलाहियत अल्लाह ने नहीं दी है उनको। और ये जो सोचने की सलाहियत अल्लाह ने जो हमको दी है, ईमान के बाद सबसे बड़ा गिफ्ट है ये। ईमान के बाद सबसे बड़ा गिफ्ट इंसान को अल्लाह ने क्या दिया है, सोचने की सलाहियत। ये सब में है, अफसोस हम लोग सोचते नहीं हैं, हम लोग ड्रीम नहीं देखते हैं, या देखते हैं तो उस पर फिर मेहनत नहीं करते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, सबसे पहली चीज इरादा होना बहुत जरूरी है। इरादे के बाद अच्छे इदारे की तलाश करना, क्योंकि अच्छे इदारे में आपको अच्छे असातेजा मिलेंगे। वो असातेजा जिनके पास में एक्सपीरियंस है, जिनके पास में एफिशिएंसी है, जिनके पास में एंथुजियाज्म है, ऐसे जो क्वालिटीज़ हैं वो असातेजा के ज़ेर निगरानी आप जब तालीम हासिल करते हो तो आपके इल्म में पुख्तगी आएगी और मज़ा आते रहेगा आपको। उनका तजुर्बा आपको बहुत मदद करेगा। तो जो जिस लाइन में भी आप जाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हो, मंजिल को छूना चाहते हो, तो याद रखें इरादा होना मुसम्मम, ये सबसे पहली सीढ़ी है। दूसरा इदारा तलाश करना। आपने अंग्रेजी में एक कहावत है कि दिस वर्ल्ड हैज श्रंक इनटू अ ग्लोबल विलेज, ये दुनिया एक विलेज की तरह करना, या एक दूसरे से मुलाकात करना, या देश के इस कोने से उस कोने तक, या फिर कंट्रीज के सैर करना बेहद आसान हो गया, जो 200 साल पहले आसान नहीं था कम्युनिकेट करना।
लेकिन आज यहाँ बैठकर अमेरिका में क्या हो रहा है आप टेलीविजन पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, और खुद आप 2-3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में वहां पहुंच भी जा सकते हैं, इतना आसान हुआ है। तो ये इदारे तलाश करना गोया बहुत आसान हो गया। इसीलिए हदीस उलमा से मैंने सुना कि दीन सीखने के लिए अगर आपको चीन तक भी जाना पड़े तो चीन जाएं आप। उसके हवाले से मैं कह रहा हूं कि अच्छे इदारे तलाश करने में आपको देश भी अगर छोड़ना पड़े तो आपको छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आपको। आप ही के गांव में बैठकर सारी चीजें नहीं मिलने वाली है आपको। कुर्बानी देना बेहद जरूरी है। आदम अलैहि सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमोपेश 1,24,000 प्रॉफिट्स आए हैं इस रूहे जमीन पर, जिनके कहानियां, जिनके किस्से, जिनके स्टोरीज आप सुनेंगे तो सबकी जिंदगी में आपको ये कुर्बानियां पाई जाएंगी। सब ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो कामयाबी की सीढ़ी कुर्बानी है। जो भी बंदा कामयाब होना चाहता है वो बिना कुर्बानी दिए कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए कुर्बानी देना, अपने ख्वाहिशात को छोड़ना, अपने घर को छोड़ना, मोहल्ले को छोड़ना, गांव को छोड़ना, और तालीम के लिए दूर दराज भी जाना पड़े आपको जाना है, और तालीम और स्किल्स आपने डेवलप करना है इंशाअल्लाह। और ये दो चीज़ों के अलावा और मजीद भी चीज़ें हैं। वो क्या है कि आपने वालिदैन की दुआएं लेनी है। आप रोजाना एक एक कुरान पढ़ लें और कितने नफिल की नमाजें पढ़ लें, लेकिन आपके बोल वालिदैन के साथ सही नहीं है, वालिदैन आपसे नाराज है, तो फिर अल्लाह भी साफ साफ कहता है कि मैं भी आपसे नाराज हूं। और 850 करोड़ जिसमें कई प्रेसिडेंट्स, कई प्राइम मिनिस्टर्स, कई बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, ये सब जुड़ जाए आपकी मदद के लिए, और अल्लाह नाराज है, आपको ले आकर पेडेस्टल ऊंचे तख्त पर भी बिठा दे, आपकी कुछ पल की कामयाबी इस दुनिया में रहेगी, लेकिन अल्लाह के नजर में आप कुछ नहीं हो जब अल्लाह नाराज है। तो यहां मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर वर्कशॉप करता हूं, 10 में 7 पेरेंट्स को परेशानी परेशान पाता हूं, 10 में 7 दहाड़े मारते हुए रोते हैं पेरेंट्स किस्से सुनाकर, ऐसे किस्से कि मेरी बच्ची बुरखे में कॉलेज जाती है, ग्लव्स पहनती है, आई बॉल्स के अलावा कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन वही लड़की के बारे में जब दूसरे मोहल्ले के लोग आकर शिकायत करते हैं तो दिल पर क्या सदमा गुजरता है मैं बयान नहीं कर सकता। शुरू में तो मैं लोगों से लड़ता था कि नहीं नहीं मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, मोहल्ले वालों से लड़ लिया मैंने, लेकिन उसके बाद जब वो लाकर वीडियोस दिखाए कि पार्क में फलाने बच्चे के साथ में, होटल में फलाने बच्चे के साथ में, बाइक पर फलाने बच्चे के साथ में, 3-3, 5-5 बॉयफ्रेंड्स रख रही है आपकी बच्ची, और मेरी आंखों से मैंने देखा, सर दहाड़े मारते हुए रोया मैं, और इस्लाम इजाजत देता मैं उसी पल खुदकुशी कर लेता, कभी मैंने नहीं सोचा। इसीलिए मैं लड़कियों को जब एड्रेस करता हूं तो कहता हूं, जब तक आपकी नजर नीचे रहेगी सड़कों पर जब आप चलते हो, तब तक आपकी वालिदैन की नजर ऊपर रहेगी, फख्र से रोड पर चल पाते हैं वो लोग। आज ये हाल है, घर से बाहर निकलने के बाद नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियां कितने गुनाहों में मुलविस होते हैं, वालिदैन को जरा भी फिक्र नहीं है और इल्म नहीं है, जरा भी मालूम नहीं है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मसरूफ अपने जिंदगी में माँ बाप है, और समझते हैं कि हम अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जाकर कर क्या रहे हैं ये वालिदैन बेखबर है इससे। इसीलिए वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। मैं हर स्टेज से कहने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ने 2 आँख आपको दिए हैं, तो 1 आँख से मोहब्बत करें और 1 आँख नजर रखें अपने बच्चों पर। और मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि कामयाब होने के लिए पहले इरादा होना, फिर उसके बाद में एक अच्छा इदारा तलाश करना, फिर वालिदैन की दुआओं से आपने इल्म हासिल करना, या जो लाइन में भी आप बिजनेस में काम कर रहे हो वालिदैन की दुआएं भी जुड़ना उसमें,
तो फिर ये अल्लाह की मदद आती है। और ये तीनों के साथ और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बड़े गौर से सुनना आप लोग, अगर कोई वालिद हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, मुफ्ती है, शेखुल हदीस है, फजीलतुल शेख है, लेकिन उसका बच्चा कॉलेज में जाकर तीन ऐसे बच्चों से दोस्ती करता है, अमूमन एक क्लासरूम में 40 बच्चे होते हैं, 40 बच्चों में एक लड़का हो या लड़की हो, वो सारे 40 बच्चों से दोस्ती नहीं होती है, जानते ज़रूर है एक दूसरे को, लेकिन जो यारी लगाते हैं ना, वो तीन बच्चों से यारी होती है। और वो तीन बच्चे अगर जानी है, शराबी है और मजीद गुनाहों में मुलविस है, तो वालिदान, अब ऐसे दीनदार वालिद का बच्चा भी जाकर वो तीन बच्चों से दोस्ती अगर कर लेता है ना, तो फिर वो वालिद भी नहीं रोक सकता है, सोबत का ये असर होता है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपके दोस्त को बुलाओ, मैं दोस्त से बात करके बताऊंगा कि आपका मुस्तकबिल कैसे होने वाला है। ये सोबत बड़ी खतरनाक चीज है, इट कैन मेक यू एंड एट द सेम टाइम इट कैन ब्रेक यू। ये आपको आबाद भी कर सकती है, बर्बाद भी कर सकती है, ये आपको गिरा भी सकती है, ये आपको बुलंदियों पर पहुंचा भी सकती है। ये दोस्ती जो बच्चे करते हैं बिलखसूस 10th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, 11वीं जमात में, 12वीं जमात में, या 12वीं जमात के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए जो जाते हैं, तो नया कॉलेज होता है, नया समा होता है, नया जोश होता है, और वो नया जज्बे के साथ नए कॉलेज में, नए समा में कदम रखते हैं नौजवान बच्चे, जोश आसमानों में होता है। तो वो जोश में जाकर 40 बच्चों में तलाश के कि मेरा वक्त किसके साथ अच्छा गुजरेगा। आप ईदेन पर कपड़े खरीदते हो तो 10-10 दुकानों में जाकर उसको छूते हो, उसको पकड़ते हो, उसको महसूस करते हो, उसको पहनते हो, एक फोटो खींचते हो, अपने दोस्त को भेजते हो, मशवरा लेते हो कि ये शर्ट कैसा लग रहा है, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब वो शर्ट की कोई हकीकत नहीं है, उससे जन्नत दोजख का कोई ताल्लुक ही नहीं है, बस एक शर्ट आप पहनते हो बमुश्किल 1 साल या 2 साल, लेकिन 10 लोगों से आप मशवरा कर रहे हो, 10 दुकान में जाकर भी आप कभी वापस लौटते हो कि मुझे एक शर्ट भी पसंद नहीं आ रहा है, मैं गुवाहाटी जाऊंगा तो तब लूंगा, मैं कोलकाता जाऊंगा तो तब लूंगा, 4 महीने के बाद मुंबई जाना हो रहा है वहां जाकर मैं शॉपिंग करूंगा। शर्ट के लिए आप मुंबई जाने के लिए तैयार है, कोलकाता जाने के लिए तैयार है, सब्र कर रहे हो कि वहां जाकर मैं लूंगा, लेकिन जब एक दोस्त को सेलेक्ट करते हो आप, तो उनमें आपने क्वालिटीज देखना है कि इससे मेरी दोस्ती हो रही है, इससे मैंने यारी लगाना शुरू कर दी है, क्या ये गॉड फियरिंग है, क्या ये अल्लाह से डरता है। और जाकर कभी मौज़न से भी पूछना उस मोहल्ले से, जिस मोहल्ले से आपका दोस्त ताल्लुक रखता है, उस मौज़न से जाकर पूछना कि मौज़न साहब, ये बंदे से मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या ये आपकी मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ता है। और मौज़न साहब कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, ये जुमा जुमा है, सिर्फ जुमे को आता है, तो फिर आपने डिसाइड करना कि अब मुझे इससे दोस्ती नहीं करनी है। तो आपने क्वालिटीज देखना अपने फ्रेंड्स में कि ये गॉड फियरिंग है, नहीं अल्लाह से डर रहा है कि नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है कि नहीं, अपने वालिदैन के साथ इसका बर्ताव कैसा है, अपने नीबर्स के साथ इसका बर्ताव कैसा है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसी से आपकी ज़िंदगी संवरती है। आप 15 साल है, आप 11th-12th में एक नए कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो 2 साल में या तो आपकी ज़िंदगी बनेगी या बिगड़ेगी। एक किस्सा मैं हमेशा सुनाता हूँ, मेरा ही स्टूडेंट है, 10वीं जमात में 98% ले आया है, 11वीं जमात में 97 और 12वीं जमात में 96% ले आया है। अब उसके वालिद उसको कहाँ पढ़ाते हैं, नीट राजस्थान, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जहाँ नीट की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ ले आकर उसको ट्रेनिंग दिलाते हैं, यानी वो ऑलमोस्ट तयशुदा है, तयशुदा लड़का है कि डॉक्टर बनना ही बनना है उसको। और उसके वालिद ने कहा कि केजी से लेकर
बारहवीं जमात तक ये मेरा लड़का कभी सेकंड पोजीशन में नहीं आया सर, ये हमेशा फर्स्ट रहा। लेकिन जैसे मैंने हॉस्टल में भेजा राजस्थान कोठे में और हिंदुस्तान का सबसे बड़े इदारे में, मैंने क्या कहा था, एक पहला इरादा और दूसरा इदारा। अब इदारा उसने जबरदस्त चुना, बेहतरीन इदारा, एक एक ऐसे टीचर्स जिनकी सैलरी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो 1 करोड़ सैलरी है, किसी की 1.25 करोड़ सैलरी है। अमूमन कॉलेजेस में जो हिसाब रियाजी जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं 10,000, 15,000, 25,000, 40,000 बस इतना ही एवरेज तौर पर। लेकिन वो लोग 1.25 करोड़ सालाना लेते हैं, बेहतरीन इदारा, बेहतरीन टीचर्स। लेकिन सिर्फ 2 महीने में उसने जो दोस्ती की है एक बच्चे से, वो पहले से ड्रग एडिक्ट था लड़का, तो ये लड़का 40-40 सिगरेट पीने लगा। सिर्फ 40 सिगरेट नहीं, उसमें ड्रग्स वगैरह डालकर, अब तो ऐसे भी ड्रग्स आए हैं, एक सांप होता है स्नेक बाइट, वो सांप काटता है तो 72 घंटे हनुदगी में बेहोशी हालत में रहते हैं नौजवान बच्चे। ये शिकायत कहाँ से आई, एक पुलिस बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़े ऑफिसर का बेटा मेरे पास एडमिशन लेता है और पुलिस ऑफिसर कहता है मैं बेबस हूँ, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ इस जुर्म को, नौजवान ऐसे मुलविस हो गया और मेरा बेटा हो गया है इसमें, और ये बहुत तेजी से फैल रहा है, ये कहीं भी आ सकता है, कहीं भी स्प्रेड हो सकता है, इसमें किसकी चाल है। नौजवानों के जहन में अल्लाह ने जो जोश दिया है ना, ब्रेन में जो ताकत नौजवानों में अल्लाह ने बख्शा है, दुनिया फतेह कर सकते हैं इससे। लेकिन इंसानों को कमजोर बनाया जा रहा है, लेबर बनाया जा रहा है, कैसे, गुनाहों में मुलविस करके, ड्रग एडिक्ट बनाकर। इसीलिए मैंने फोकस किया था कि सोबत का होना बेहद जरूरी है, अच्छी सोबत में आप रहोगे तो फिर इंशाअल्लाह, मैं पूरे दावे से कहता हूं कि ये जो मैंने 4 चीजें आपको बताए हैं, एक इरादा मुसम्मम और एक इदारा बेहतरीन, फिर वालिदैन की दुआएं साथ में हो, फिर अच्छी सोबत हो। सोबत में क्या तलाशना है कि ये बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, इसको जन्नत की फिक्र है या नहीं है, ये वालिदैन को रिस्पेक्ट करता है या नहीं है, ये अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करता है या नहीं है, ये सारे क्वालिटीज हाँ में अगर जवाब मिल रहा है आपको, तो आपने इमीडिएट उससे दोस्ती करना है, उसके साथ वक्त बिताना है, तो आप उसके लय में आपकी कामयाबी की मंजिल को छू लेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ के जो भी जिम्मेदारान ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है उनसे मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ जैसे टीचर को भी उलमा के सफ में लाकर बिठाया है, वरना मैं कहता हूँ यहाँ जो उलमा तशरीफ फरमाए हैं, कैसे बड़े बड़े उलमा माशाल्लाह, इनके कदमों की जो धूल है, उस धूल को अगर आप 10 लाख करोड़ के हिस्सों में बांटें, उसके बाद वो छोटा सा एक हिस्सा लें, फिर उसको अल्लाह की कुदरत से फिर उसको वो छोटे से हिस्से को 10 लाख करोड़ में फिर बांट दिया जाए, फिर उसमें से एक हिस्सा निकालें, उसका बराबर भी मुनव्वर जमा नहीं है। क्योंकि आपने जितना कुरान को पढ़ा है, जितना समझा है, जितना सिखाया है, जितना आपने मोहब्बत कुरान से की है, उसके आगे मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन मैंने वालिद की बड़ी खूब खिदमत की है और बिलखसूस हिंदुस्तान के बहुत से उलमा की दुआएं हैं, उसमें मौलाना बदरुद्दीन अकबर साहब, मौलाना गुलाम मोहम्मद बस्तानवी साहब, मौलाना सज्जाद नौवानी साहब, मौलाना महमूद बदनी साहब, ऐसे बड़े बड़े उलमा माशाल्लाह मुझे फ़ोन करके दुआएं दिए कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बहरहाल यहाँ सब जमा हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द पूरे आसाम में मेरे लेक्चर्स होंगे। जज़ाकअल्लाह खैर, जज़ाकअल्लाह। अब दुआ हो।